धारावाहिक मतलब हानिकारक है समाज के लिए निश्चित तौर से। साउथ इंडिया से लोग परिमल बंदे बन रहे हैं। लास्ट रात के 2 बजे थे सर, हम नीचे कमरे में अकेले सोते हैं सर। फिर सोते थे सर, रात को सांड आए, सब परेशान कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। फिर उनको हम भगाने के लिए उठे सर। जब भगाने के लिए उठे सर उनको, सर भगाने के लिए जब हम उनको उठे सर, उनको भगा दिए। फिर सर सीधा चले गए उनके घर पे सर। हम उनके घर पे चले गए, फिर उनको उठाए। फिर जब तो सर टीवी देख रही थी उस टाइम। फिर जब हमको उठाए, फिर सर फिर उठ के आई कमरे, पूछने लगे क्या करोगे। उनका काम है, थोड़ा सा गेट खोलो। फिर सर हम उनको लेके गए सर नल के पास, कुछ संबंध बनाए सर। फिर उसके बाद सर अंदर लेके, फिर रमेश गिरी, रमेश नाम था उनका, तब फ़ोन आता था उनका। वो तुम पूछे रमेश कौन है सर। फिर कहने लगे इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, रमेश कोई भी हो या किससे किसी संबंध से तुम कोई मतलब नहीं है। फिर हम पूछने लगे क्यों नहीं संबंध है, हम तुम्हारे हस्बैंड को बता देंगे। फिर सर कहने लगे, हमको धमकी देने लगी, क्या रहेगा अगर तुम, फिर कहने लगे अगर किसी को बता दोगे तो इसी वक्त हम हल्ला मचा देंगे सर, तुमको उल्टा फंसा देंगे सर। हम डर गए सर, इसे डंडे से मार दिए सर उनको। फिर खून बहने लगा सर, हम और डर गए सर। फिर सर अंदर चली गई अपनी बहन को जगाने सर। फिर हमने दोनों को मार दिया सर डर से। फिर उसके बाद डंडा और हथियार सर तालाब में फेंक दिया सर। कितने दिनों से संबंध था सर? अक्टूबर में था सर, अक्टूबर में सर था सर, जब हम पहले दिन सर उन्होंने शुरुआत की थी सर। सामान देने गए थे, फिर उन्होंने हाथ पकड़, फिर बदन पे हाथ लगाए हमारे, इससे हमारा मन बहल गया सर। ये जो जनपद अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व डबल मर्डर हुआ था 2 महिलाओं का, वो केस वर्कआउट हुआ है। इसमें एक अभियुक्त रवि वर्मा पकड़ा गया है, अकेला अभियुक्त जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यह रवि वर्मा जो उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव में घटना हुई है, और उसी घटनास्थल के जस्ट पड़ोस में इसका घर है। रवि वर्मा वहीं पड़ोस में रहता है, और ये महिला जो जिसकी हत्या हुई है, जो शादीशुदा है, इसके पति देवर दोनों बाहर रहते हैं दिल्ली में, और इसके ससुर भी बाहर रहते हैं। यह महिला अकेली वहाँ रहती है अपनी 11 महीने की बच्ची के साथ। उस दिन घटना के दिन इसके यहाँ पर इसकी छोटी बहन भी आई हुई थी। रात की या 2 बजे के आसपास की घटना है जब रवि वर्मा ने इसको बाहर बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए। यह चीज़ भी प्रकाश में आई है कि उसके बाद इनके बीच कहासुनी होने लगी, कहासुनी इस बात को होने लगी कि इस लड़के को, जो रमेश कनौजिया एक और लड़का है जो बस्ती का रहने वाला है, वह इस छोटी बहन को लेकर आया था। उससे चूंकि यह लड़की महिला भी बात करती थी, तो दोनों ही आपस में इस बात को लेकर झगड़ने लगे कि तुम उससे संबंध क्यों रखती हो, उससे बात क्यों करती हो। इसी बात पर लड़ाई शुरू हुई और इस जो अभियुक्त है इसने डंडे से इसके सर में मारा। बचने के लिए, अपनी छोटी बहन को जगाने के लिए कमरे में गई, तब तक ये पीछे चला गया और वहाँ एक कमानी पड़ी थी लोहे का टुकड़ा, उससे लेकर के दोनों ही लड़कियों को, दोनों ही बहनों को उसने मार दिया। और दोनों ही बहनों को मारते हुए उसके सर पे वार किए और मुंह पे वार किए, जिससे दोनों की मौत हो गई। उसके बाद यह लड़का गया अपने घर पे और कपड़े बदल करके, जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको जला दिया। जलाने के लिए जो माचिस प्रयुक्त की उसने, वो रात में एक चश्मदीद गवाह है उनसे उन्होंने माचिस ली, और उस माचिस से उसने अपने कपड़े जलाए पुआल में, और कपड़े जलाने के बाद उस राख को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद जो सामान था, आला कतल, कमानी और डंडा और ईंट, उसको लेकर के तालाब में फेंक दिया। तीनों ही आला कतल बरामद हो गए हैं और राख भी बरामद हुई है। हम लोग ब्लड सैंपलिंग भी करा रहे हैं जो आला कतल पे लगी हुई है, और जो घटनास्थल से ब्लड सैंपलिंग मिली थी वह भी करा रहे हैं। लड़के को जेल भेजा जा रहा है, जो रवि वर्मा अभियुक्त है उसको जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जो इसका ये कहना है कि एक धारावाहिक आता है सावधान इंडिया, उसको वह देखता था, और क्राइम तरीके, क्राइम के जितने भी चैनल्स में क्राइम से रिलेटेड जो आती हैं धारावाहिक, उसको यह देखता था। उसी से इसको लगा कि पुलिस से बचने का एक ही तरीका है कि जो सामान यूज़ किया उसको फेंक दिया जाए और कपड़े जला दिए जाए। इसी से शायद इन प्रेरित होकर के इसने यह कार्य किया।